सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का हमारा विषय है कैसे हम अपने खून को साफ कर सकते हैं। अगर हमारा खून साफ नहीं है तो हमारे जो चेहरे पर है बहुत फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं और हमें अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आप जो ये पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते आपके 30 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर आपके पूरे खून को साफ कर देंगे। आप जैसे स्किन प्रॉब्लम से या और भी अनेकों गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर में है खून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। या आप ये बोल सकते हैं, खून शुद्ध नहीं है तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। वहीं से हमें बीमारियां शुरू होती हैं। अगर हमारा खून पूरे तरीके से शुद्ध हो जाए तो हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं रहेंगी। तो जो आज का हमारा खान पान है, तो उस खान पान के कारण हमारा खून अशुद्ध होता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पिज्ज़ा है, बर्गर है, पता नहीं हम क्या क्या खा खा कर अपना खून अशुद्ध कर लेते हैं और फिर अनेकों बीमारियां आ जाती हैं। फिर कुछ समय बाद देखते हैं हम उन बीमारियों के लिए एलोपैथिक दवाइयों की ओर दौड़ते हैं और एलोपैथिक दवाइयां खाने से लीवर के ऊपर और ख़राब असर होता है। और जब लीवर के ऊपर ख़राब असर हो जाए तो लीवर को जो खून को जो फिल्टर करता है, मतलब खून को जो साफ करता है, तो वो क्या करता है, लीवर। तो इन पत्तों के माध्यम से, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये है सेमल के पत्ते। जो सेमल के पत्ते हैं इनके द्वारा, इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है, इनके द्वारा आप बहुत जल्द अपने खून को साफ कर सकते हैं। जब हमारे बाल झड़ते हैं वो भी खून गंदा होता है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है, क्योंकि जो हमारा शरीर जो पोषक तत्व ग्रहण करता है, जो अलग अलग अंग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं हमारे खून से। अगर हमारा खून गंदा हुआ तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। तो अगर हम अपना खून साफ कर लें तो आप देखेंगे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। तो उससे वो शरीर खुद ब खुद लेता रहेगा और हमारे शरीर में ना कैल्शियम की कमी होगी, ना किसी प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में कमी नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं आपको ये लेना कैसे है और किस समय लेना है। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी बता दे, तो उससे हम फायदे की बजाय हम नुकसान उठाते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी ना होने के कारण कभी भी उसको लेना शुरू कर देते हैं और कोई भी उसको लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए इसके जो पत्तों की तासीर होती है वो ठंडी होती है। आप देख पा रहे होंगे सेमल, अगर किसी को पहचान नहीं है तो सेमल आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा, आपके आसपास मिल जाएंगे। तो जो सेमल के पत्ते, आपको क्या करना है, कुछ पत्ते लेने हैं। कुछ पत्तों का अर्थ है 4 से 5 पत्ते लीजिए और उनको अच्छे से धो लीजिए। उनको अच्छे से धो लेने के बाद ध्यान रखिए कभी भी पूरा पका हुआ पत्ता ना ले, कभी भी पूरा पका हुआ पत्ता ना ले। आप उनको धो लीजिए और धोने के बाद उसको अच्छे से पानी मिक्स करके ग्राइंड कर लीजिए। पानी मिक्स करके ग्राइंड कर लिया, फिर उसमें आप मिश्री मिला लीजिए। मिश्री कौन सी मिलानी है, देखिए आजकल मार्केट में मिश्री जो है, पता नहीं अलग अलग प्रकार की चीनी से ही मिश्री बना देते हैं, तो चीनी तो आपके खून को और भी गंदा कर देगी। तो आपको क्या करना है, आपको धागे वाली मिश्री लेनी है, उसकी भी तासीर ठंडी होती है। ध्यान रखें जिसको कफ से रिलेटेड कोई रोग है तो उसका सेवन ना करें, या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात करके ही इसका सेवन करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, उसमें मिश्री मिला लेनी है अपने टेस्ट के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार। उसके बाद आप उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे स्किन, जो आपका त्वचा है, वो भी निखर के आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा रहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा कब नहीं रहती है, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उससे धीरे धीरे आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो भी सही होना शुरू हो जाएंगे, आपका स्किन अच्छा हो जाएगा और आपके शरीर में ऊर्जा रहनी शुरू हो जाएगी। और आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, आप एक बार पहचान कर लीजिएगा, जो ये ऊपर वाले पत्ते हैं, ये जो नीचे वाला पत्ता है ये अलग है, ये फूल अलग हैं, और जो ये एक बड़ा सा आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर एकदम आसमान तक, ये है सेमल का जो पेड़ है। तो आप देखेंगे जो तनाव बहुत अधिक हो रहा है आजकल, वो तनाव भी इन पत्तों का सेवन करने से दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें
तो आपको ये रोजाना रोजाना 30 दिन तक तो लगातार सेवन करना है, उसके बाद उसका असर देखें, फिर उससे आगे बढ़े, तो इससे आपके शरीर की अनेकों बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पेज को या चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।